स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजर में उसकी सरकार का तख्ता पलट देखने को मिला, जिसमें उनकी मिलिट्री जुंता ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। जिस दिन उसको अंजाम दिया गया, उसी दिन से ये ग्लोबल हेडलाइंस में सुर्खियों में बना हुआ है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज में ऐसे कू अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि पिछले 3 सालों में वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में ये 7th कू देखने को मिला। 2020 के बाद से अब तक नाइजर के 3 नेबर्स यानी माली, बुर्किना फासो और गिनी में 5 कूस को अंजाम दिया जा चुका है। तो ऐसे में इस केस में क्या खास बात है? फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये कू अफ्रीका के बाकी कूस की तरह साउंड करते हैं, लेकिन इस केस में ये सभी डेवलपमेंट्स एक नई ट्रेजेक्ट्री पकड़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस कू को दुनिया भर के पॉलिटिशियंस द्वारा बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। दुनिया भर में इस कू की कड़ी निंदा की जा रही है। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने नाइजर की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमिक एड कट करने की वार्निंग दी है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी नाइजर से अपनी फंडिंग और मिलिट्री सपोर्ट इमीडिएट इफेक्ट के साथ विथड्रॉ कर चुका है, क्योंकि उनके मुताबिक ये नाइजर की रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस पर अनएक्सेप्टेबल अटैक है। नाइजर के पड़ोसी देश एक फुल फ्लेज्ड वॉर की वार्निंग्स दे रही हैं। कुछ चाहते हैं कि ये कू सफल हो, जबकि कुछ पूरी तरह इसके खिलाफ हैं। वेस्ट अफ्रीका की सबसे मोस्ट पावरफुल रीजनल ग्रुपिंग इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने नाइजर की मिलिट्री जनता को एक अल्टीमेटम इशू किया है। यदि वो 1 वीक के अंदर प्रेसिडेंट को पावर में रीस्टोर नहीं करते, तो उनको एक मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जबकि माली और बुर्किना फासो जैसे दूसरे स्टेट्स मिलिट्री के डिफेंस में खड़े हैं। उनका कहना है कि यदि नाइजर के अगेंस्ट कोई भी फॉरेन एक्शन लिया जाता है, तो वो उनके ऊपर भी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा। इस कू ने एक मैसिव टर्न तब लिया जब नाइजर की कैपिटल नियामे में प्रो कू प्रोटेस्टर्स इस कू का सपोर्ट करने निकले, और गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रोटेस्टर्स के हाथों में रशिया का फ्लैग वेव कर रहा था। इतना ही नहीं, जब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो उनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स ने फ्रेंच एम्बेसी की ओर जाकर वहां वायलेंस को अंजाम दिया। एम्बेसी की बिल्डिंग के बाहर फ्रांस के फ्लैग को बर्न कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि फ्रांस यहां मौजूद होने के बावजूद यहां बढ़ते इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को नहीं रोक पाया। इस अटैक से साफ जाहिर हो रहा था कि यह अटैक सिर्फ फ्रेंच एम्बेसी पर नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस कू का असल मकसद क्या है? इसमें इतनी ग्लोबल पावर्स क्यों इन्वॉल्व हैं? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने अब नाइजर पहुंचने वाला है? क्या यह कोई मामूली कू है या इसके पीछे कुछ बड़ी फोर्सेस का हाथ है? आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11th ऑफ अगस्त को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, हाई चांसेस हैं कि आपने पहले शायद इस कंट्री का नाम कहीं ना सुना हो। तो आपको बता दें कि रिपब्लिक ऑफ नाइजर वेस्ट अफ्रीका की एक लैंडलॉक कंट्री है। ये एक यूनिटरी स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में लीबिया, ईस्ट में चाड, साउथ में नाइजीरिया, साउथ वेस्ट में बेनिन और बुर्किना फासो, और वेस्ट में माली और नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया से बॉर्डर शेयर करता है। ये 12,70,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ वेस्ट अफ्रीका की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। इसके 80% से ज्यादा लैंड एरिया में सहारा लाई करता है। ये देश अफ्रीका के स्पेसिफिक रीजन साहेल का हिस्सा है। इसराइल रीजन का लैंड स्ट्रेच अटलांटिक ओशन को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये रीजन काफी लंबे समय से इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंट रेजिम्स का फर्टाइल ग्राउंड रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स द्वारा कमिट की जाने वाली 40% एक्टिविटीज इन्हीं एरियाज में होती है, और नाइजर साहेल में इन कूस के डोमिनो इफेक्ट में फॉल करने वाली लास्ट कंट्री बन जाती है। इसके अलावा नाइजर दुनिया की बेहद पुअर कंट्रीज में गिनी जाती है।
24.4 मिलियन की पॉपुलेशन में 5 में से 2 व्यक्ति $2.15 पर डे से भी कम पर एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। इस देश की 99.3% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जिसमें से लगभग 81% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अब यदि कू पर वापस आए तो 26th ऑफ जुलाई को नाइजर के प्रेसिडेंशियल गार्ड के हेड जनरल अब्दोरा हमाने चिनाई ने नाइजर की आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर देश के सिविलियन प्रेसिडेंट मोहम्मद बजोम को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने टीवी पर आकर अनाउंस किया कि उन्होंने बजोम की रेजिम और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया है और खुद को हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रेसिडेंट बजोम को वापस पावर में रीइंस्टेट नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई वेस्टर्न पावर ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसको सीवियर कंसिक्वेंसेस झेलने होंगे। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट बजोम इस देश के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पहली बार एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म किया। इससे पहले डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी का दौर दूर दूर तक यहाँ नहीं था। 1960s के बाद से ही ये देश एक के बाद एक कई सीरियस मिलिट्री कू से जूझ रहा था, लेकिन इन सारे तख्तापलट की एक लॉन्ग और ब्रूटल हिस्ट्री के बावजूद बजोम के आने के बाद पहली बार यहाँ लोगों में उम्मीद की नई किरण देखने को मिली। जैसा कि हमने अभी देखा कि पिछले 3 सालों में बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में सरकारों को ओवरथ्रो कर दिया गया, लेकिन नाइजर में बजोम की गवर्नमेंट द्वारा एंजॉय किए जाने वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के चलते ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हो सका। हालांकि नाइजर भी बाकी वेस्ट अफ्रीकन नेशंस की तरह पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टंटेड डेमोक्रेटिक और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का शिकार रहा है, लेकिन बजोम की टेन्योर ने इस सोसाइटी में एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आउटलुक को काफी हद तक इम्प्रूव किया। एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्नाइजर होने के कारण बजोम ने यहाँ गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, नाइजर के बर्थ रेट को रिड्यूस किया और एक इम्प्रेसिव इकोनॉमिकल रिवाइवल पर काम किया। इन्होंने देश में एक डेमोक्रेसी की ओर एक पीसफुल ट्रांजिशन को अंजाम दिया। दशकों के स्टैग्नेशन के बाद नाइजर की इकोनॉमी में इस साल 7% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसका मेजर क्रेडिट बजोम को ही जाता है, लेकिन इस लेटेस्ट कू के बाद यहाँ स्टेबिलिटी का वो दौर खत्म होता नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये क्राइसिस इस पुअर कंट्री को डीस्टेबलाइज वॉर से लेकर टेररिस्ट के एक नए हब तक में बदल सकती है। जैसे ही बजोम को डिटेन किया गया, लोग हजारों की संख्या में नियामे की सड़कों पर उतरे, लेकिन कू के अगेंस्ट जाने वाले प्रोटेस्टर्स को मिलिट्री फोर्सेज ने वायलेंटली क्रश कर दिया। अब यदि इस कू के पीछे के कारण की बात करें, हालांकि इसके पीछे कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह की वायलेंट टेकओवर्स का कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल प्रिंसिपल नहीं होता। अक्सर ये पावर ग्रैब एक इंडिविजुअल की इगोइस्टिक मोटिवेशंस को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस कू को अंजाम देने वाले लीडर का कहना है कि प्रेसिडेंट बजोम की गवर्नमेंट इस रीजन में लास्ट डिकेड से पनप रहे वायलेंट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने में नाकामयाब रही है। हालांकि ये किसी कू की कोई खास या यूनिक वजह नहीं होती। दुनिया भर में जनता लीडर्स ऐसे ही क्लेम्स के जरिए अपने पावर एम्बिशंस को ड्राइव करते हैं। अनस्टेबल और वायलेंट नेशंस में ये मिलिट्री लीडर्स खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन नाइजर के केस में ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पिछले कुछ समय से सिक्योरिटी सिचुएशन असल में इम्प्रूव होती दिखाई दे रही थी। अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर सहेल में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड लगभग 90% वायलेंट इवेंट्स माली और बुर्किना फासो में देखने को मिले। हालांकि 2014 के बाद से नाइजर में वायलेंट इवेंट्स की संख्या डबल हुई है, लेकिन इन इवेंट्स के कारण होने वाली डेथ में 50% का डिक्लाइन हुआ है। तिचानी ने टेलीवाइज एड्रेस पर ये कहा कि वो स्टेक ओवर के जरिए देश का ग्रेजुअल और इनएविटेबल डिमाइस रोकना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटी अप्रोच बहुत से हैवी सैक्रिफाइसेस के बाद भी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाया है। उनके मुताबिक बजोम ने लोगों को ये बिलीव कराने की कोशिश की कि देश की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन हार्श रियलिटी एक डेड, डिस्प्लेस्ड, ह्यूमिलेशन और फ्रस्ट्रेशन की पिक्चर प्रेजेंट करती है। अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज के एक रिसर्च फेलो के मुताबिक बजोम तिचानी को रिटायरमेंट के लिए फोर्स कर रहे थे और शायद इसीलिए हमें ये कू देखने को मिला। तो दोस्तों, अभी तक हमने स्कू के इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस किया, लेकिन चलिए अब कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ रशिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज का क्या रोल है। जिस तरह कू को सपोर्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स रशिया का फ्लैग वेव करते हैं और लॉन्ग लिव पुतिन के स्लोगन स्टैंड करते हैं, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये कू रशिया द्वारा बैक किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है। रशिया प्रेसिडेंट ने हाल ही में हुई रशिया अफ्रीका समिट में कहा कि रशिया कू के अगेंस्ट है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर
सर्जी लावरोव ने भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के रिवाइवल को सपोर्ट किया है। लेकिन इस फैक्ट ने रशियन ऑफिशियल्स को नाइजर की क्राइसिस में एक मेजर अपॉर्चुनिटी ढूंढने से नहीं रोका है। एक्चुअली रशिया का एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर ग्रुप ने उस क्राइसिस में यहाँ अपने इनरोड्स बना लिए हैं। उन्होंने इस कूप को सपोर्ट करते हुए अपने ट्रूप्स ऑफर किए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। रशिया के इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में अपने मर्सनरीज के थ्रू रशिया की प्रेजेंस स्ट्रेंथन की है। वैगनर ग्रुप नाइजर के पड़ोसी देश माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान की मिलिट्री रेजिम्स में पहले से ही मर्सनरीज सप्लाई कर रहा है और नाइजर इस कड़ी में एक नया मोहरा बनकर सामने आया है। हालांकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन की फोर्सेस ने नाइजर में हुए कू में एक्टिव रोल प्ले किया है, लेकिन प्रिगोजिन ने एक ऐसी स्टेटमेंट रिलीज की थी जिसने सीधा नाइजर की पॉपुलेशन के एंटी कॉलोनिस्ट सेंटिमेंट को जाकर हिट किया। और उन्होंने कू के अगले दिन अपने टेलीग्राम पर यह पोस्ट किया कि जो आज नाइजर में हुआ वो और कुछ नहीं बल्कि नाइजर के लोगों और उनके कॉलोनाइजर्स के बीच का इनविटेबल स्ट्रगल है। ये वो कॉलोनाइजर्स हैं जो यहाँ के लोगों के लाइफ पर अपनी कंडीशंस इम्पोज करते हैं और उनको दशकों पुराने कॉलोनियल माइंडसेट से ट्रीट करते हैं। उनका कहना है कि वेस्टर्न कॉलोनाइजर से इन कंट्री के लिबरेशन के लिए ये कू बहुत टाइम से ओवरड्यू था। ऐसे ही सिमिलर सेंटिमेंट्स इनके द्वारा माली और बुर्किना फासो में भी चेस किए गए। वहां भी एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स को बेस बनाकर मिलिट्री कू को अंजाम दिया गया और वैगनर में मर्सनरीज को डिप्लॉय किया गया। तो यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये मिलिट्री कंपनी इस रीजन में इस तरह के पैटर्न्स को एक्सप्लॉइट करके अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो अब चूंकि रशिया की ओर से वैगनर ग्रुप यहाँ अपनी प्रेजेंस कंसोलिडेट करता जा रहा था, ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस नाइजर के प्रेसिडेंट मिस्टर बेजोम पर रिलाई कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ जिहादिस्ट एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए यूएस ने यहाँ एक एयरबेस और फ्रांस ने लगभग 150 ट्रूप स्टेशन किए हुए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने मिस्टर बेजोम को हमेशा से इस रफ नेबरहुड में एक फ्रेंडली कंट्री की तरह ट्रीट किया है। यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरल के मुताबिक प्रेसिडेंट बेजोम नाइजर के अब तक के एकमात्र लेजिटिमेट प्रेसिडेंट रहे, इसलिए इस दौर में उनकी और वेस्टर्न वर्ल्ड की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो गई है। वेस्ट ने इस बॉन्डिंग को इस रीजन में रशिया के एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए यूज किया। और जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि नाइजर इतिहास में एक फ्रेंच कॉलोनी रह चुका है। 1960 में इसको फ्रांस से फॉर्मल इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन शायद ये आज तक भी इस कॉलोनियल सब्जुगेशन से मुक्त नहीं हो पाया। इस रीजन की बहुत से कंट्रीज में आज भी कॉलोनियल पावर्स का सिग्निफिकेंट कंट्रोल देखने को मिलता है। ऐसी ही कहानी कुछ नाइजर की भी है। नाइजर के कू को सपोर्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स भी फ्रांस को अपना एनिमी मानते हैं। आपको बता दें कि नाइजर दुनिया का 7th लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है और उसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट फ्रांस को जाता है। फ्रेंच कंपनी ओरानो यहाँ खुद अपना यूरेनियम माइंस ऑपरेट करती है। प्रो कू प्रोटेस्टर्स की सबसे मेजर कंप्लेंट यही है कि फ्रांस अपनी इस प्रेजेंस के थ्रू उनके रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहा है। इसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के पास जाता है। आज के जमाने में नियो कॉलोनलिज्म कुछ इसी तरह ऑपरेट करता है, इसलिए नाइजर समेत बहुत सी फॉर्मर कॉलोनीज में आज पॉपुलेशन सेंटिमेंट ये है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी फॉरेन पावर के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। वो अपनी सेफ्टी खुद एंश्योर कर सकते हैं। खैर, जब से इन प्रोटेस्टर्स ने फ्रेंच एम्बेसी को अटैक किया है, फ्रांस और वेस्टर्न वर्ल्ड से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिला है, क्योंकि उनकी नजरों ने ये कू डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है जिसको कहीं ना कहीं रशिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दी यहाँ फ्रांस की ओर से मिलिट्री इंटरवेंशन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस केस में हर पार्टी के अपने अलग इंटरेस्ट और ग्रीवेंसेस हैं और हर एक पार्टी उनको हर तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन किसी भी ग्रीवेंस को जस्टिफाई करने के लिए वायलेंट मिलिट्री रूल या मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट करना शायद किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। इस केस में कौन सी साइड सही है, इसका वर्डिक्ट आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वो ये कि यहाँ हमें जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत रॉ वर्जन ओके आउट होता नजर आ रहा है। कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स इज द कंपटीशन फॉर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, और आज अफ्रीका में वही कंपटीशन अपना रूप बदल कर अपने फुटहोल्ड्स मजबूत कर रहा है। कॉलोनियलिज्म के दौर में इन्हीं रिसोर्सेस के चलते हमें स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका देखने को मिला था, और आज फिर एक बार दुनिया के बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेस को सिक्योर करने के लिए स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का वर्जन 2.0 शेप ले रहा है। फिर चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या फिर वेस्ट ही क्यों ना हो, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस की रेस आज भी जारी है। लेकिन नाइजर के स्कू जैसे इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि आज की ये सोसाइटीज पूरी तरह से ब्लाइंडफोल्ड नहीं है, और इसीलिए वो सब्जुगेशन के लिए नहीं बल्कि इक्वल फुटिंग पर कोलैबोरेशन के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हैं। और ऐसे में भारत
इस रीजन का नेचुरल पार्टनर बनकर इस रीजन के कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में अपना हाथ आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स एक और भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में नाइजर वेस्ट वर्सेस रशिया का एक नया कोल्ड वॉर जोन बन सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।